ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं नाइओबियम के बारे में क्वेश्चन है। नाइओबियम क्रिस्टलाइज होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बीसीसी में और इसकी डेंसिटी दी गई है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेडियस और इसका एटॉमिक मास जो दिया गया है वो 93 यूनिट दिया गया है। अब इन्हीं सब डाटा को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन दैट में जो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रक्चर बीसीसी है और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 2 होता है। उसके बाद दिया हुआ है डेंसिटी हमारा 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना है रेडियस, उसके लिए हम लोग को एटॉमिक मास की भी जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन रेडियस निकालने से पहले हमको यहाँ एज लेंथ निकालना होगा। अब एज लेंथ निकालेंगे यूनिट सेल के फॉर्मूला से, डेंसिटी के फॉर्मूला से, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एन इंटू एम बाई ए क्यू एन नॉट। एन नंबर ऑफ एटम्स है जो यहाँ पे दिया गया है। ए अगर निकालना है हमको तो ए को दूसरे साइड में लाएंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में लाएंगे, तो एन इंटू एम बाई डी इंटू एन नॉट हो जाएगा। अब इसमें जितने भी टर्म है उसके वैल्यू को पुट करेंगे, एन नंबर ऑफ एटम्स 2 दिया गया है, एम मोलर मास या एटॉमिक मास 93 दिया गया है, डेंसिटी 8.55 क्वेश्चन में ही दिया गया है और एन नॉट हमको याद रखना होगा एवोगाड्रो नंबर है और उसका वैल्यू होता है 6.022 × 10²³। अब इन्हीं सब वैल्यू को हम यहाँ पे देख ऊपर में लिखा हुआ है 2 × 93 और 2 × 93 हो जाएगा 186, 186। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले टर्म को तो ये हमारा हो जाएगा 8.55 × 6.022, ये 51.48 हो जाएगा × 10²³। ये 23 ऊपर जाएगा और वो माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में और 186 को डिवाइड करेंगे 51.48 से तो ये हो जाएगा 3.6 × 10²⁻²। अब एक्चुअली क्या है, नीचे वाले टर्म जो है पावर ऊपर में जाता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, सो यहाँ पे माइनस हो गया। और एक और बात, यहाँ पे ए क्यू हम लोग निकाल रहे हैं, अभी इससे ए निकालना होगा तो इसका क्यूबिक रूट निकालना है। तो क्यूबिक रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर जो होता है हमारा वो फ्रैक्शनल नंबर होता है यानी 1/3 होगा, तो इसीलिए इस 3.6 के पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड में हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो नीचे में 10 हो जाएगा और 10²⁻²⁻³ × 10⁻¹ हो जाएगा। अब माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएगा और ये 36.0 × 10²⁻²⁴ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AQ है तो AQ से A हमको फाइंड करना है, यानी ये जो 3 पावर है वो फ्रैक्शनल नंबर में चला जाएगा और फ्रैक्शनल नंबर में चला जाएगा तो 24 आसानी से डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ पे ऐसा स्टेप लिया गया है। तो 36.0 × 10²⁻²⁴ और इसका पावर होल पावर 1/3 हो जाएगा। और पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, जितने भी टर्म मल्टीप्लाई में होंगे सब पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 का भी पावर 1/3 हो जाएगा और 10²⁻²⁴ का भी पावर 1/3 हो जाएगा और पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है सो ये कट जाएगा, हमारा 24 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूबिक रूट निकालने के बाद 36 का 3.304 × 10²⁻¹
सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर में हमारा डेंसिटी का यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ए भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। आर के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है, तो आर हमारा होता है बीसीसी में रूट थ्री इंटू ए बाई फोर, ठीक है, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.732 इंटू टेन टू इंटू 3.304 इंटू 10^-8 बाई फोर। रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.72 इंटू 10^-8 बाई फोर। अब फोर से इसको डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.43 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग पिकोमीटर में बदल सकते हैं, नैनोमीटर में बदल सकते हैं। यह क्वेश्चन है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है और एटम्स का रेडियस कैपिटल आर है। इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, जिसके लिए हमारा एक फिगर बनता है। फिगर में हम लोग देखेंगे कि चार एटम्स जो है एक दूसरे से टच करेंगे और उनके टच करने के कारण बीच में जो खाली जगह बचेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। जो एटम्स है उनके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर लिखेंगे और जो वॉइड है उसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे। कैपिटल आर जो रेडियस है स्फीयर का, एटॉमिक स्फीयर का, अब उसके सेंटर को सबसे पहले मिलाते हैं तो हमारा एक स्क्वायर बन जाता है और जो स्मॉल हमारे स्फीयर है, जो वॉइड के स्फीयर है उसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर बना है उसका साइड दो आर का सम होगा, मतलब कि यहाँ पे वह दो स्फीयर के सेंटर को मिला रहा है, सो दोनों के रेडियस के सम को हम लोग क्या कहेंगे, उसके साइड के किनारे की लंबाई के बराबर कहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें कि एक डायगोनल, हाफ डायगोनल खींच लें, जो स्फीयर है वाइड का उसके सेंटर को लेते हुए एटम के सेंटर के साथ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। और यही हम लोग एक पूरा डायगोनल के रूप में लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, दो बार स्मॉल आर एंड टू टाइम्स कैपिटल आर, यानी हमारा डायगोनल जो होगा ये स्क्वायर का वो होगा 2R कैपिटल एंड 2R स्मॉल। अब इसका थोड़ा नाम लिख लिया जाए, ये हमारा नाम, ये ट्रायंगल के फॉर्म में जो डायगोनल के साथ ले रहे हैं उसको हम लोग ये ABC इसका नाम लिखेंगे, और ABC नाम लिखेंगे तो ये B और C जो हमारा क्या होगा वह डायगोनल होगा, और B और C डायगोनल होगा तो BC का वैल्यू क्या होगा, R कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, फिर प्लस स्मॉल आर एंड फिर कैपिटल आर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, टू टाइम्स कैपिटल आर एंड टू टाइम्स स्मॉल आर, इन दो बार बड़ा आर और दो बार छोटा आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन कहलाएगा। इसी इक्वेशन के साथ हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तब हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार BC एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस है या कहें स्क्वायर का डायगोनल है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एल भी क्या होगा, स्क्वायर है, सो एल और बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और बराबर होने के कारण यहाँ पे एल का भी वैल्यू 2R होगा और B का भी वैल्यू क्या होगा, 2R होगा, सो 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, और इसके वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर,
और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8r2। 8 का तो रूट निकलता नहीं है, लेकिन ये 2√2 के फॉर्म में हो जाएगा, यानी हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2r। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2 होगा। और इक्वेशन 2 और 1 को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये दोनों में जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2√2r इक्वल टू 2 ब्रैकेट r प्लस r, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी रूट 2 कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.414 r इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब दोनों कैपिटल R को एक तरफ लेते जाते हैं, यानी 1.414 r माइनस r इक्वल टू स्मॉल r। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.414 r कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों r को एक तरफ लेते आए और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 4.414। ये क्वेश्चन है हमारा, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू अ फेस सेंटर्ड विथ एज लेंथ, किनारे की लंबाई है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। शो करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेटेड डेंसिटी जो है वह मेजर्ड डेंसिटी के बराबर होता है या नहीं। यहाँ पे मेजर्ड डेंसिटी दी गई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट में हमारा जो जो वैल्यू दिया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हमारा कैसा है, तो फेस सेंटर्ड है, एफसीसी है, और एफसीसी में हमारा नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वह 4 होते हैं, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अगला क्या दिया हुआ है, इसमें किनारे की लंबाई दी गई है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। ये कैलकुलेटेड डेंसिटी होगा, और एक डेंसिटी दिया हुआ है, मेजर्ड डेंसिटी हमारे यहाँ पे दिया हुआ भी है। एक और चीज यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा मोलर मास का, जो कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल होता है, और ये हमको याद रखना होगा। और डेंसिटी जो मेजर डेंसिटी है वो हमारा कितना है, वो है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी डेंसिटी को हमको क्या करना है, मैच करवाना है, मिला करके देखना है दोनों बराबर आता है या नहीं, मतलब ये आंसर यहीं पे दे दिया गया है, सो करना है, यहाँ पे मिलाना है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है n × m / aq n₀। n नंबर ऑफ एटम्स है, m मोलर मास है जो एलिमेंट दिया गया उसका, a किनारे की लंबाई, और n नॉट एवोगाड्रो नंबर जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10³। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 4 है और मोलर मास हमारा 63.5 है, a का वैल्यू 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। इसको हम लोग क्यूब करेंगे और × 6.022 × 10⁻²। ये एवोगाड्रो नंबर होता है, इसको पुट किया गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 254 / इसका क्यूब निकालेंगे, यानी 3.61 का होल क्यूब × 10⁻²-24, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 6.022 × 10⁻²-23। अब क्या करेंगे, तो इसका क्यूब निकाल लेंगे, 254 / 3.61 का क्यूब निकालेंगे, ये हो जाएगा 47.04 × 6.022 × 10⁻²-23 × 10⁻²-24
माइनस 24 प्लस 23। अब एक्चुअली क्या है कि मल्टीप्लाई में पावर का क्या होता है, जोड़ हो जाता है, सो जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 254 बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा 283.27 इंटू 10^-1, क्योंकि 24 माइनस में है, 23 प्लस में है, तो माइनस 1 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड करने पर हमारा क्या हो जाएगा 0.896 इंटू 10^1। अब क्या नीचे है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और इसका वैल्यू हो गया हमारा 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो लगभग मैच कर रहा है हमारे जो मेजर्ड जो वैल्यू दिए गए हैं उससे। इस क्वेश्चन में एक एनालिसिस है जिसमें निकल ऑक्साइड के फार्मूला का एनालिसिस किया गया है। इस एनालिसिस में पता चला कि निकेल का फार्मूला Ni 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 है। निकेल दो तरह के वैलेंसी को शो करता है, एक प्लस टू का, दूसरा प्लस थ्री का, तो इसमें दोनों तरह का निकेल पाया जा रहा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला फ्रैक्शनल नंबर में है। अब यहां क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप निकेल प्लस टू वाले और निकेल प्लस थ्री वाले का संख्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि निकेल और ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड का जो ये फॉर्मूला दिया गया है इसको हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन, ये पॉइंट वाले नंबर को होल नंबर में बदल दें। तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.98 क्या हो जाएगा 98 में बदल जाएगा, और ऑक्सीजन 1.00 है तो ये 100 हो जाएगा। अब इसका मतलब इस फॉर्मूले में निकेल का संख्या टोटल नंबर 98 हो गया और ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। इस 98 जो निकल है इसमें दोनों तरह का निकल शामिल है, Ni प्लस टू वाला भी है और Ni प्लस थ्री वाला भी है। तो जब ऐसा हो जाएगा 98 के संख्या में हो जाएगा तो हम लोग मान लेंगे कि निकेल प्लस थ्री और निकेल प्लस टू वाले का एक पार्टिकुलर नंबर कितना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि निकेल Ni प्लस टू वाले का संख्या x है और यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी तो माइनस टू होता है, सब लोग जानते हैं, तो वो लिख दिया गया है। और एक और बात कि ऑक्सीजन और निकल, यानी ऑक्सीजन निगेटिव है यानी अनायनिक है और निकल कैटायनिक है, तो दोनों का चार्ज हमेशा बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे Ni प्लस टू वाले का संख्या नंबर x मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप Ni प्लस थ्री वाले का संख्या 98 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास निकल कितना प्रेजेंट है, 98 है, तो 98 में से x घटा देंगे तो दूसरा वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा। तो अब जो है, अब हम लोग चार्ज फाइंड करते हैं, दो तरह का निकल है तो दोनों निकल का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज टोटल फाइंड करेंगे। तो पहले निकल प्लस टू वाले का चार्ज फाइंड करेंगे, तो एक निकल पर प्लस चार्ज, प्लस टू चार्ज है तो x निकल है तो 2 × x हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग Ni प्लस थ्री वाले का भी चार्ज फाइंड करेंगे और Ni प्लस थ्री वाले का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 3 × 98 माइनस x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, यहीं पे 98 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा। इससे टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां का हम लोग कैलकुलेट करेंगे और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, तो 100 उसका संख्या है और एक ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो 2 × 100 यानी 200। अब हम लोग निकेल का चार्ज एक तरफ रखेंगे
और दूसरे तरफ ऑक्सीजन का चार्ज रखेंगे, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। इसीलिए किसी भी कंपाउंड पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं पाया जाता है। तो 2x plus 294 minus 3x is equal to 200. 2x में से 3x घटा देंगे और ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 294, और ये 294 को दूसरे साइड में ले जाएंगे, 200 के साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 294, घटने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 94 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 94 लिखेंगे। अब यहां पे 94 x का वैल्यू आ गया, और x हम लोग माने थे ni प्लस 2 के लिए, तो ni प्लस 2 का संख्या 94 हो गया, और ni 3 प्लस का संख्या 98 माइनस x है, तो 98 माइनस 94 यानी इसका संख्या कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 4 हो गया। ये तो संख्या निकल गया, अभी फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग जिसका निकालना है उसका संख्या बाय उसका टोटल संख्या टोटल नंबर इनटू 100 कर लेंगे। तो ni 2 प्लस के लिए हम लोग लिखेंगे 94 बाय 98, 94 उसका संख्या है, टोटल निकल हमारा 98% है, और इनटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 96% हो जाएगा। अगले वाले में निकल 3 प्लस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और 3 प्लस में क्या हो जाएगा 4 बाई 98, 4 उसका नंबर है और 98 टोटल नंबर है, इनटू 100, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4%। यहाँ फेरिक ऑक्साइड है जिसका क्रिस्टलीकरण जो है क्रिस्टलाइजेशन जो है HCP में होता है। ऑक्साइड आयन जो है वो 2 out of every 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में पाया जाता है, तो फेरिक आयन के होल्स में पाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन ये हमारा कितना है 100 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, तो 2/3 जो फेरिक आयन का होल्स है उसमें पाया जा रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल जो होल्स है उसका नंबर कितना हो जाएगा वो फाइंड कर ले, और वो हमारा दिया हुआ है, यही हमारा फेरिक जो आयन है उसी के बराबर होगा, और ये हमारा कितना है 2/3 है। अब इसका नंबर निकाल ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200/3 हो जाएगा। फेरिक आयन जो होगा मतलब जो ऑक्टाहेड्रल होल्स है उसका नंबर हमारा कितना हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयरन यानी फेरस का संख्या निकालना है, तो और ऑक्सीजन का भी संख्या निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, और इसी रेशियो से हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसका संख्या 200/3 है, यहाँ पे अभी निकाले हैं, और ऑक्सीजन का संख्या क्या माने हम लोग 100 माने हैं, तो 100/1 एंड 200/3, ये हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 200/3 इनटू 1/100 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 100 से 200 कट जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा फेरस का संख्या 2 हो गया, तो Fe2 हो गया, और ऑक्सीजन का संख्या 3 हो गया, तो FeO3। यहाँ इस क्वेश्चन में है गोल्ड के बारे में दिया गया है जिसका रेडियस एटॉमिक रेडियस दिया गया है 0.144 नैनोमीटर, और ये FCC में पाया जाता है, और इसकी हमको किनारे की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है, और कोर की लंबाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2√2r, a इज इक्वल टू 2√2r। तो गिवन में हमारा क्या है
केवल एक ही चीज दिया हुआ है और एक ही चीज निकालना है। गिवन में हमारा रेडियस दिया हुआ है 0.144 और हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। ए के लिए फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ए का फॉर्मूला एफसीसी के लिए 2√2R होता है। तो यहां पे हम लोग R में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R 0.144 इंटू 2 इंटू 1.414। 1.414 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2.828 हो जाएगा इंटू 0.144, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किनारे की लंबाई हमारी निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.407 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन है हमारा सोडियम क्लोराइड के और स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, जिसमें डोपिंग किया गया है, डोप किया गया है स्ट्रोंशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ। अब अगर इसमें डोपिंग किया जाता है तो कैटायनिक वैकेंसी बनते हैं, उसी कैटायनिक वैकेंसी का नंबर फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है गिवन वो लिख ले, और ये हमारा स्ट्रोंशियम क्लोराइड का परसेंटेज दिया हुआ है, तो 10⁻³ मोल परसेंट है। अब जब इतना दिया गया, इसके बाद स्ट्रोंशियम का और सोडियम का कंपैरिजन कर ले और कैटायनिक वैकेंसी क्यों बनेगा वो जान ले। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रोंशियम का वैलेंसी +2 का है, इसीलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सोडियम का वैलेंसी जो है +1 का है, इसीलिए यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है। अब सोडियम क्लोराइड जहां पाया जाएगा, ढेर सारे सोडियम क्लोराइड पाए जाएंगे, तो एक सोडियम होगा, एक क्लोरीन होगा, एक सोडियम होगा, एक क्लोरीन होगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड को उसमें डोप किया गया तो एक स्ट्रोंशियम 2 क्लोरीन होंगे, जिसके कारण सोडियम की संख्या कम हो जाएगी, कुछ जगह खाली बच जाएंगे स्ट्रोंशियम के 2 वैलेंसी होने के कारण, और वो जो खाली जगह होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी कहेंगे, और वो कैटायनिक होगा क्योंकि स्ट्रोंशियम का वैलेंसी +2 का है जो सोडियम से ज्यादा है। तो इसी चीज के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करें। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1 मोल, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रोंशियम क्लोराइड का मोल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो कितना है 10⁻³ मोल परसेंट दिया हुआ है। तो बस 1 मोल इंटू 10⁻³ मोल हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल हम लोग लेट किए हैं, मान लिए हैं सोडियम क्लोराइड का, तो वही हमारा 1 इंटू 10⁻³ बाई 100 होगा। क्यों? क्योंकि परसेंट में है, परसेंट में हम लोग हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 10⁻³, 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई अर्थ नहीं है, 10⁻⁵ मोल हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक मोल का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻², जो एवोगाड्रो नंबर है, और उसी एवोगाड्रो नंबर से हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मोल में आया है, तो मोल से हमको संख्या निकालना है, काउंटिंग में नंबर निकालना है, मोल तो हमारा यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर में बदलने के लिए एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻², 10⁻², और हम सब लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻², 10⁻², और 10⁻⁵
5 होने के कारण यहाँ पे आंसर क्या होगा 10 टू द पावर 18।